आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। द्वारका जिले की बेहद बड़ी खबर, जहां एटीएस स्टाफ और बिंदापुर थाना पुलिस कर्मियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20 चोरी के वाहन, 2 देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूसों के साथ एक मेवाती गैंग का भांडाफोड़ किया है। एटीएस और बिंदापुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 मेवाती ऑटो लिफ्टरों को हिरासत में लिया है। उनके कब्जे से 19 दुपहिया वाहन और 1 ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन के मुताबिक एसएचओ राजेश मलिक थाना बिंदापुर के अलावा एएसआई अनुप्राणा, हेड कांस्टेबल रमेश, राजू, योगराज, दिनेश, जगबीर, धर्मेंद्र, कांस्टेबल राजेश, अंकित और वीर सिंह सहित एएसआई विजय और हेड कांस्टेबल सोनू भी इस पूरे टीम में शामिल है। आपको बता दें कि इस गिरोह को क्रैक करने के लिए पुलिस टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी। करीब 7 दिन तक मेवात में रहकर पुलिस ने गुप्त रूप से सूचनाएं जुटाते हुए इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया है और इनके कब्जे से 20 चोरी के वाहन, हथियारों के सहित इनकी बरामदगी बताती है कि यह गिरोह कितना कुख्यात था। इस गिरोह के तार अंतरराज्यीय बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये भरतपुर राजस्थान में चोरी के वाहनों को बेचते थे। साथ ही इन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये मेवात के कुछ इलाकों में चोरी के वाहन बेचते थे। मेवाती गिरोह पर शिकंजा कसने की इस बड़ी कार्रवाई को पुलिस की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जिसने दिल्ली NCR में वाहन चोरी के मामलों में आतंक मचा रखा था। लेकिन फिलहाल गनीमत है कि पुलिस ने इन चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।